देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। 400 मुस्लिम भाइयों के साथ ब्रह्मा कुमारीज ने की ज्ञान चर्चा। बिहार में सहरसा जिले में हाल ही में मजहबी एकता एवं सौहार्द का सुंदर नजारा देखने को मिला। सुलिंदाबाद क्षेत्र की बड़ी मस्जिद में जुम्मे की अजान के पश्चात एकत्रित हुए करीबन 400 मुस्लिम भाइयों को ब्रह्मा कुमारीज द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत व्यसन मुक्ति का संदेश दिया गया। मस्जिद के इमाम औरंगजेब की देखरेख में इस मोबाइल वैन के जरिए मुस्लिम भाइयों एवं बच्चों को व्यसनों से दूर रहने की प्रेरणाएं दी गईं। इस अवसर पर बीके राजीव ने सभी को नशीले पदार्थों के सेवन द्वारा होने वाले शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों से अवगत कराया, तो वहीं इमाम औरंगजेब ने आवाम से खुद को इस बुराई से बचने के लिए अपील करते हुए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की भूरी भूरी प्रशंसा की, साथ ही सभी तक पहुंचाने की इच्छा जताई। जो अल्लाह ताला ने आपको 240 करोड़ की गाड़ी दी है सबको, हाँ, जिससे आप काम कर रहे हो, खा रहे हो, घूम रहे हो, मजा कर रहे हो, उसके लिए कभी शुक्रिया किया है? जिस दिन रोजा रखते हैं एक सच्चा मुसलमान खाना नहीं खाता। किसके लिए रखा है रोजा? उस अल्लाह ताला के लिए। आप देखना, जब आपको इच्छा होगी, तलब होगी, तो क्या बोलना, आज मैंने अल्लाह को कहा है, आज के दिन नहीं। और डॉक्टर साहब ने जिस तरीके समझाया है तो हम लोगों को समझ में आया कि वाकई जो है नशा छोड़ने का आसान तरीका है। और उसके लिए सबसे पहले जो है अल्लाह को हाजिर नाजिर रखे। भाई अल्लाह देखा, हम रोजा रखते हैं तो सिर्फ अल्लाह जानता है ना, भाई अल्लाह जानता है और बंदा जानता है कि हम रोजा है कि नहीं। तो इसलिए हम अगर नशा को छोड़ना चाहते हैं तो हम दिमाग में बैठा लें कि भाई नशा कर रहे हैं तो हम रोजा रख के जो है अल्लाह के सामने वादा किए नशा नहीं करना, हमने नशा का रोजा रख लिया, भाई हम नशा नहीं करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही देना था कि जिस दिन रोजा रखते हैं, किसी भी खाद्य पदार्थ आदि का सेवन नहीं करते, वैसे ही हम सुबह उठते ही अल्लाह ताला को उसकी सबसे बड़ी नेमत इस शरीर के प्रति शुक्रिया अदा करें और नशीले पदार्थों का सेवन ना करने का संकल्प करें। इस दौरान कुंभकर्ण शो और व्यसन मुक्ति प्रदर्शनी को भी कई मुस्लिम भाइयों ने समझा। इस कार्यक्रम के लिए सहरसा की बीके स्नेहा, बीके हरि और बीके अवधेश का अथक सहयोग रहा। नवनिर्मित आध्यात्मिक संग्रहालय का भव्य उद्घाटन। हरियाणा के फतेहाबाद में नवनिर्मित आध्यात्मिक संग्रहालय का संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी के हाथों लोकार्पण हुआ। इस अवसर पर मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके हंसा, स्थानीय प्रभारी बीके मोहिनी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके मदन, बीके दीपक समेत अनेक कई बीके सदस्यों की विशेष उपस्थिति रही। इस संग्रहालय में आत्मदर्शन, परमात्म दर्शन और जीवन दर्शन से लेकर भारत के स्वर्णिम इतिहास को सुंदर मूर्तियों, ग्राफिक्स और आर्ट के माध्यम से दर्शाया गया है। साथ ही सृष्टि चक्र, जीवन चक्र आदि बातों को भी गहराई से समझाया गया है। म्यूजियम के माध्यम से हजारों मनुष्य आत्माओं को जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान धारण करने की प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि ज्ञान को जहां समझने में सुविधा होती है वहीं हम उसे आसानी से याद रख धारण कर पाते हैं। आज यहाँ जो म्यूजियम का उद्घाटन हुआ है, मैंने सारा म्यूजियम का चक्कर लगाया, बहुत ही सुंदर बनाया है और मुझे लगता है कि जो भी आत्माएं आएंगी उनको बहुत अच्छी तरह से प्रेरणा मिलेंगी, खुद को जानना, परमात्मा को जानना और योग सीखना और योग से क्या क्या प्राप्ति होती है। यहाँ इतना बड़ा सेंटर देख के और साथ साथ यहाँ पर जो म्यूजियम बना, जो मैं समझती हूँ बहुत ही आवश्यक है। परमात्मा के दिव्य कर्तव्य, जीवन दर्शन, राजयोग दर्शन, स्वास्थ्य दर्शन, मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष, भारत के उत्थान और पतन की कहानी, सृष्टि चक्र और स्वर्णिम भारत का अद्भुत संगम यहाँ दिखाया गया है। यह संग्रहालय भविष्य में हजारों लोगों के लिए आध्यात्मिक जीवन का पथ प्रदर्शक बनेगा। इस कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। दिव्य वरदानी भवन जन सेवा के लिए बनकर तैयार। गुजरात के रांदेर में नवनिर्मित दिव्य वरदानी भवन का लोकार्पण बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा के कर कमलों से इस भवन का उद्घाटन हुआ।
सेवा केंद्र प्रभारी बीके लीला, सूरत वलसाड़ सब जोन की प्रभारी बीके रंजन की उपस्थिति में रिबन काटकर एवं नाम पट्टिका का अनावरण करके भवन में प्रवेश करने के बाद बाबा के कमरे का, बाबा के भंडारे का तथा हॉल का भी उद्घाटन हुआ। इसके पश्चात विशेष दो बहनों का समर्पण समारोह भी सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर गुजरात राज्य के वन और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन और जल आपूर्ति राज्य मंत्री मुकेश भाई पटेल ने शिरकत कर भवन उद्घाटन और समर्पण समारोह के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। दोनों बहनों ने शिव को अपना वर मानते हुए शिवलिंग को माला पहनाई। भरी सभा में दोनों बहनों ने अपना शपथ पत्र भी पढ़ा तथा माता पिता ने भी अपनी बेटी समर्पण करने की इच्छा प्रकट की। परमात्मा प्रेमियों को आध्यात्मिकता के गहरे समंदर से, गुणों के, शक्तियों के मोतियों से भरपूर करने ब्रह्मा कुमारी इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता, देश विदेश में सकारात्मकता की अलख जगाने वाली बीके शिवानी का हाल ही में तमिलनाडु के तिरुपुरा में आगमन हुआ। बीके शिवानी के आगमन पर सारा शहर खुशियों की लहर में तब्दील हो गया। आर्ट ऑफ हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी लाइफ विषय पर हुए एक पब्लिक इवेंट को संबोधित करते हुए बीके शिवानी ने कहा कि व्यक्ति, वस्तु, पदार्थों के अधीन होकर कहीं हम अपनी खुशी तो नहीं गवा रहे। आध्यात्मिकता ही हमें जीने की सही राह दिखाती है, इसलिए स्वयं को समय दें और सकारात्मक जीवन शैली अपनाएं। एनीथिंग यू वांट शुड हैपन इन योर लाइफ, स्टार्ट सेइंग इट हैज ऑलरेडी हैपेंड। योर थॉट्स विल चेंज, योर पर्सनालिटी विल चेंज, सिचुएशन विल गेट इन्फ्लुएंस्ड एंड सिचुएशन चेंजेस। द थॉट्स अफेक्ट द फ्लावर्स, not the flowers affect the thoughts, and then you will become the master of your mind and master of your life. It will be in your control. इस कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एवं मेघालय के पूर्व राज्यपाल वी शंगमुगनाथन, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। तमिलनाडु जोन में ब्रह्मा कुमारीज के सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना, स्थानीय प्रभारी बीके रेणुगा समेत कई बीके बहनों के सहयोग से यह आयोजन सफल रहा। इतनी विशाल सभा देखकर ऐसे लग रहा था मानो इस घोर कलयुग में भी सत्यु की परिकल्पना को साकार करने वाली भव्य अलौकिक सभा रू रिहान कर रही हो। परमात्मा संदेश लेने एवं आंतरिक खुशी की परिभाषा को जानने की ललक से पहुंचे स्थानीय लोगों ने राजयोग का महत्व भी समझा। हरियाणा दौरे में आगे राजयोगिनी बीके जयंती दीदी का करनाल पहुँचना हुआ, जहाँ डॉक्टर मंगल सेन सभागार में आओ घर घर स्वर्ग बनाए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर संस्था से सालों से जुड़े युगलों का भी सम्मान समारोह आयोजित हुआ। बीके जयंती दीदी के हाथों सभी को सम्मानित किया गया। वहीं मुख्य अतिथियों में घरौंदा विधायक हरविंदर कल्याण, करनाल मेयर रेणु बाला गुप्ता, इंद्री विधायक राम कुमार कश्यप, बीजेपी प्रधान योगिंदर राणा समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। हम अगर अपना जीवन संयमित रूप से ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करते हुए और अच्छे कार्य करके व्यतीत करें तो वास्तव में वो स्वर्ग की कल्पना सार्थक हो सकती है। हमें एक संकल्प भी लेना चाहिए और इस दिशा में अपने जीवन को चलाने के लिए लगातार प्रयासरत भी रहना चाहिए। आज मैं आई तो दीदी जी के चेहरे का जो नूर है वो मुझे ऐसा लगा कि धरा पर यदि कोई देवी विराजमान है तो इस मंच पर विराजमान है। कैसे हम अपने परिवार को स्वर्ग बना सकते हैं? जब हमारा परिवार स्वर्ग बन जाएगा, हमारा समाज स्वर्ग बन जाएगा, फिर हमारा प्रदेश स्वर्ग बनेगा, फिर हमारा देश स्वर्ग बनेगा, फिर हमारा विश्व स्वर्ग बन जाएगा। यही इस संस्था की खूबी है कि जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इस चेहरे पे मुस्कान है। क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो बहनों ने जो संदेश दिया कि मुस्कुराकर जीने में, प्यार बांटकर जीने में ही क्या नुकसान है। इस अवसर पर कैथल सर्कल प्रभारी बीके पुष्पा, करनाल सेक्टर 9 सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मल, सेक्टर 7 सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम, पानीपत ज्ञानमान सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण समेत जोन की कई वरिष्ठ बीके बहने उपस्थित रही। आदरणीय जयंती दीदी जी का सानिध्य इस प्रकार प्राप्त किया है, ऐसा फील हो रहा था कि जैसे हम सभी डायरेक्ट बाबा की गोद के अंदर बैठे हुए हैं और उनका प्यार हम सब लूट रहे हैं। हमारे कर्म कैसे हों, हमारे कर्म ऐसे हों जिससे दूसरों को सुख मिले, शांति मिले, दूसरे का भला हो। निस्वार्थ भाव से किया हुआ कर्म सबसे ज्यादा फलदायक होगा।
ये परमात्मा का नियम है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा और वैसा ही हमारे को आगे जीवन प्राप्त होगा। इस अवसर पर बीके जयंती दीदी को आध्यात्मिक उत्कृष्ट सेवाओं के लिए नव चेतना मंच करनाल की ओर से एसपी चौहान व एडवोकेट नरेश बराना द्वारा मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। करीबन 2000 लोग इस भव्य दिव्य आयोजन के साक्षी बने। इसी कड़ी में आगे सेक्टर 9 सेवा केंद्र पर जयंती दीदी के आगमन पर स्थानीय बीके सदस्यों के लिए भी स्नेह मिलन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसे संबोधित करते हुए बीके जयंती दीदी ने आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी कुछ गहन बातें बताई, साथ ही अपने जीवन के कुछ अविस्मरणीय अनुभव भी सभी के साथ साझा किए। क्या अपने ऊपर अटेंशन दें कि हम भी कार्य करते ऐसा हल्का रहें, ऐसा फ्री रहें, ऐसा हम भी फरिश्ता बनने के कुछ नजदीक कदम जाएं, ऐसी प्रेरणाएं हम अपने बड़ों से अपने मन में ले रहे हैं। इसी कड़ी में आगे हरियाणा के हिसार में सकारात्मक परिवर्तन से आनंदमय जीवन विषय पर आध्यात्मिक समागम का आयोजन हुआ। बीके जयंती ने अपने वक्तव्य में बताया कि परमात्मा से योग लगाने से ऐसी शक्ति मिलती है जिससे संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं और जीवन सुखमय बन जाता है। एक इस बात के स्मरण से परिवर्तन हो सकता कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं हूँ आत्मा। तो यदि हम इस एक बात को लेकर के चलें तो जो भाईचारे की बात आती है या जो पवित्र दृष्टि वृत्ति की बात आती है वो एक बहुत नेचुरल रीति से हमारे जीवन में आ सकती। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हिसार की कमिश्नर गीता भारती ने कहा कि दृढ़ता की शक्ति द्वारा परिवर्तन सहज हो सकता है। हमें सकारात्मकता का दृष्टिगोचर हुआ, आभास हुआ कि हम ऐसे योगिनी के बीच में, ऐसी तपस्विनी के बीच में विराजमान हैं जिनकी संगत से ही हमारे हृदय में परिवर्तन हो सकता है। इस अवसर पर HAU के VC BR कम्बोज, डॉक्टर संदीप सूरी, डॉक्टर NK खन्ना भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम के अंत में राजयोग केंद्र की संचालिका बीके रमेश कुमारी ने आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया। और यहाँ बैठने मात्र से ही एक ऐसी अनुभूति आपको नजर आती है कि वास्तव में लगता है कि जीवन को जीते तो सभी हैं, लेकिन आनंदमय रूप से कैसे जी सकते हैं, उसकी अनुभूति यहाँ देखने को मिलती है। माँ बाप क्या देते हैं? दिल की दुआएं। तो परमात्मा से दुआएं प्राप्त करने का सहज साधन है अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में लाइए। एक घड़ी आधी की बुनियाद तुलसी संगत साध को कर प्रभु को याद। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।